कहते हैं सपने बड़े मत देखा करो, अधिकतर पूरे नहीं होते। पर आज मैं आपको जिससे मिलवाने जा रहा हूँ उसने साबित किया, सपने हमेशा बड़े ही देखो, पर उन बड़े सपनों के साथ अपने पे विश्वास भी उतना ही बड़ा करो। लोगों का छोटी मोटी सरकारी नौकरी में हो जाता है तो वो नौकरी नहीं छोड़ते, वो सोचते हैं पहले हम इस नौकरी को ज्वाइन करें, उसके बाद हम किसी दूसरी नौकरी की तैयारी करेंगे। प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने के साथ ही साथ इन्होंने तय किया कि अब इनको भारत की सर्वश्रेष्ठ परीक्षा की तैयारी करनी है। इन्होंने नौकरी को छोड़ा और उसकी तैयारी में जुट गए। इन्होंने पहले अटेम्प्ट में 617 रैंक हासिल किए, ये भारत के सर्वश्रेष्ठ नौकरी को लगभग पा ही चुके थे, पर इन्होंने फैसला लिया कि ये उस नौकरी को ज्वाइन नहीं करेंगे, अपने पे भरोसा रखा और इन्होंने दोबारा फिर तैयारी की। इन्होंने दोबारा तैयारी की और इस बार इनकी रैंक थी ऑल ओवर इंडिया 25। मैं बात कर रहा हूँ 2015 बैच के IAS श्री चंद्र मोहन कर। मैं बात कर रहा हूँ उस IAS की जो वर्तमान में बरेली का मुख्य विकास अधिकारी है। मैं बात कर रहा हूँ उस IAS की जो गांव में काफी लोकप्रिय है अपने स्वभाव के कारण। सीडीओ की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी कम शब्दों में अगर समझानी हो कि चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर क्या होता है जिले का और उसकी कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आप क्या बताएंगे कम शब्दों में? मेरा जो पद है मुख्य विकास अधिकारी, ग्रामीण क्षेत्र में जितना भी डेवलपमेंट का काम है और उससे रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे आपका पंचायती राज हो, ग्राम विकास हो, एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो, एजुकेशन है, मेडिकल है और अलाइड सेक्टर्स हैं आपके, उन सभी के जो भी डेवलपमेंटल वर्क्स हैं उसकी ओवरऑल मॉनिटरिंग एंड उसको एक दिशा देना मेरा मेन रोल है। तो बेसिकली जो भी ओवरऑल रूरल डेवलपमेंट है उसकी जिम्मेदारी और बाकी जो भी आपको काम आपके जिलाधिकारी आपको आवंटित करेंगे वो सब भी आपकी जिम्मेदारी में आता है। सर अब में थे डेलॉइट कंपनी में थे आप, 7 लाख के पैकेज पर थे, तो आपने जब अपनी जॉब को क्विट करने का सोचा, घर वालों को क्या इस बात के लिए कन्विंस करना पड़ा था? क्या घर वाले आपके सपोर्ट में थे उस टाइम कि घर वालों को लग रहा था कि भाई रिस्क तो है क्योंकि IAS का एग्जाम देगा, होगा या नहीं होगा तो यार नौकरी जो है वो भी चली जाएगी, वो ना इधर का रहे ना उधर का, तो क्या ऐसी सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ी और अगर करनी पड़ी तो आपने टैकल कैसे किया? नहीं, घर वालों की तरफ से ऐसा कोई दबाव नहीं था, पेरेंट्स ने हमेशा सपोर्ट किया कि क्या डिसीजन लेना है। जो भी डिफ़िकल्टी है वो मुझे खुद आई ये डिसाइड करने में कि मुझे क्या करना है, क्योंकि ऑब्वियसली व्हेन यू आर फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली तो ये इजी नहीं होता डिसीजन कि आप अपनी नौकरी छोड़ करके तैयारी कर रहे हो क्योंकि कोई श्योरिटी नहीं है एंड एक बार सिलेक्शन ना हो फिर आप क्या करेंगे। बट द रीज़न आई ऑप्टेड वॉज कि लाइफ में दो चीज़ें हैं कि या तो आपके पास जो है आप उसको कंटिन्यू करके खुश रह सकते हैं, दूसरा आपके मन में कुछ है, आपकी इच्छा कुछ है पर आप उसको कर नहीं रहे डर के मारे। तो मेरा मेजर पर्पज़ ये था कि मुझे रिग्रेट नहीं चाहिए कि ठीक है सिलेक्शन नहीं होगा कोई बात नहीं, एटलीस्ट आई विल बी एबल टू जस्टिफाई माई सेल्फ कि जब मेरे पास टाइम था, जब एज थी, जब मौका था तो मैंने अपना 100% दिया। वेदर आई गेट सेलेक्टेड और नॉट इट विल डिपेंड ऑन माई एफर्ट्स एंड माई डेस्टिनी, बट वेदर आई ट्राइड और नॉट डिपेंड्स ऑन मी। सो दैट वॉज द रीज़न आई थॉट कि लेट मी टेक अ रिस्क, अभी टाइम है और अभी एज भी है, और नहीं होगा तो फिर दिखा जाएगा, यू फिगर आउट ऑप्शंस लेटर ऑन देन। सर जैसे अभी आपने बोला कि छोटी तो नहीं थी IAS होने की, मतलब हो ही जाऊँगा मैं, ठीक है, और मुझे लगता है कि जितने भी IAS होते हैं वो ज़्यादातर यही बिलीव कर रहे होते हैं कि उनको नहीं पता होता है कि वो होंगे, बस वो मेहनत कर रहे होते हैं आप बन करके। और मैं आपका भी जैसे मैंने आपकी बारे में कई सारे आपके वीडियोस देखे जिसमें आपको कॉलेजेस में आप बुलाया जाता है, आपने वहाँ पे वर्ड यूज़ किया था इनफैचुएशन कि ब्यूरोक्रेट बनना इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग और वो आपको जो इनफैचुएशन है वो वेरी डिफरेंट थिंग है, क्या मतलब हुआ इसका? देखिए सिंपल सी चीज़ ये है कि
इट्स अ नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर दैट वी गेट अट्रैक्टेड टू ग्लैमर. एंड आईएएस के साथ बहुत ग्लैमर अटैच्ड है कि यू कैन सी पीपल गेटिंग अ लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी एट अ वेरी यंगर एज एंड यू गेट अ लॉट ऑफ रिकॉग्निशन एंड सोशल रिस्पेक्ट. तो वो जो पैराफर्नेलिया ग्लैमर जो उसके साथ अटैच्ड है वो बहुत लोगों को अट्रैक्ट करता है, बट दैट इज़ नॉट द रियल जॉब. आई थिंक वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वेदर आर टेम्परामेंट मैचेज विद द जॉब और नॉट, वेदर आवर इंटेंट मैचेज और नॉट. इट्स अ वेरी डाइवर्स जॉब, इट हैज़ इट्स ओन चैलेंजेस, इट हैज़ लॉट ऑफ प्रेशर्स, इट रिक्वायर्स अ गुड लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अक्यूमेन, इट रिक्वायर्स lot of working hours and it requires lot of flexibility and good interpersonal skills. तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो इस जॉब का स्किल सेट रिक्वायर्ड है वो मेरे अंदर है या नहीं, और जिस टाइप की लाइफ है whether I will enjoy that or not. It is as simple as that कि एक घर दूर से बहुत सुंदर लग रहा है पर क्या आपको उसमें रह कर के अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा. तो that comfort will depend whether your interest matches with that job requirement or not. तो I think ये differentiation बहुत ज़रूरी है हमको समझना, चाहे कोई भी profession हम choose कर रहे हों. When we are going into it, we should enjoy the job. And अगर हम उसको enjoy नहीं कर पा रहे तो वो glamour कुछ time के बाद fade हो जाएगा and then we will start feeling frustrated कि ये क्या चीज़ है. पर आपने एक सपना देख रखा है और वो सपना जैसे आपने बताया कि आपने पहाड़ की तरफ देख रहा था बस आपने, लेकिन चलना शुरू कर दिया है. लेकिन अब जब उस पहाड़ के लिए आप चलना शुरू करते हैं और बीच में जब फंसते हैं और आप देखते हैं कि चारों तरफ कोई नहीं है, उस समय दो ही फीलिंग आती है, यार ये सब बंद करो, वापस चलो घर, मेरे बस का नहीं है. उस समय को सेल्फ मोटिवेट करने का, सेल्फ बूस्ट करने का. क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मैं मतलब बहुतों को मैंने देखा है जो सेल्फ मोटिवेट करते हैं, करते करते अपने को इतना ज़्यादा डिप्रेशन में हो जाते हैं कि वो सब कुछ भी नहीं कर पाते हैं. ऐसे टाइम पर अपने दिमाग को, मेंटल लेवल को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, क्योंकि आपको सेल्फ मोटिवेट करना है. नहीं, मेरे को देखिए सिंपल चीज़ ये लगती है कि आप ये सोचोगे कि आपके हिसाब से चीज़ें हों और तब आप कुछ अचीव करो तो वो अचीवमेंट ही नहीं है. द रियल मीनिंग ऑफ अचीवमेंट इज़ ड्रिवन फ्रॉम स्ट्रगल, कि स्ट्रगल नहीं तो अचीवमेंट किस बात का. तो ये तो एक मेंटल प्रिपरेशन आपको रखनी चाहिए कि ये मेरी जर्नी है एंड इट विल नॉट हैपन माई वे, आई विल हैव टू स्ट्रगल थ्रू थिंग्स एंड मेक थिंग्स काउंट. एंड किसी भी चीज़ में जब आप लग जाते हो ना और आप करने लगते हो तो अपने आप चीज़ें भी आपके हिसाब से होने लगती हैं. कोई भी मतलब आप देख लोगे, किसी भी इंसान का स्ट्रगल देख लोगे, किसी का भी अचीवमेंट देख लोगे, तो इट वॉज़ नॉट कि चीज़ें आपके हिसाब से होंगी. आपको चीज़ें अपने हिसाब से बनानी पड़ती हैं विद योर एफर्ट एंड विद टाइम. जब आप ये चीज़ करने लगते हो ना तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि इट विल हैपन योर वे. अगर कोई कमी पेशी रह चुकी है तो उसको एक मॉडल विलेज की तरह बनाया जा सके कि कोई भी अधिकारी आ रहा है